महानगर में साप्ताहिक बंदी के दूसरे दिन रविवार को भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान शहर के सभी चौराहों पर जगह जगह बैरिकेडिंग करके लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। शहर में उन लोगों को ही आने और जाने को दिया जा रहा है जो मेडिकल कार्य के लिए जा रहे हैं या आवश्यक कार्य के लिए आ जा रहे हैं। शहर में लॉकडाउन का यह असर देखने को मिला। इस दौरान सभी कार्यालय और दुकानें बंद रही तथा लोगों ने कोरोना संक्रमण को रोकने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, शासन के आदेशानुसार शनिवार और रविवार के दिन गोरखपुर में और अन्य जनपदों में भी लॉकडाउन लगाया जाता है, जिसमें सिर्फ आपातकालीन सेवाएं और कुछ सेवाओं को छूट मिली है। तो ये हमारे यहाँ 10 बजे से ही पुलिस की ड्यूटियाँ 56 बिंदुओं पर लगी हुई हैं। वहाँ पे बैरियर के साथ वो लगे हैं और ताकि आने जाने वाले लोगों को अंकुश किया जा सके, साथ ही जो मास्क वास्क नहीं पहन रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई और जागरूकता दोनों काम किया जा सके। तो ये 10 बजे से लगातार हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं जो सोमवार सुबह तक लगी रही। जो अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहे हैं या रोस्टर के अनुरूप नहीं चल के अपनी दुकानें खोल रहे हैं उनके विरुद्ध 188 के मुकदमे लिखे जा रहे हैं और जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ चालान की कार्रवाई भी की जा रही है।